पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तराखंड के हल्द्वानी और बरेली में हुए बवाल के बाद मुरादाबाद में लगातार चौकसी बढ़ा दी गई है। पुलिस लाइन में दंगा नियंत्रण मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ। इसमें पुलिस कर्मियों को दंगा नियंत्रण का प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान हथियार भी चलवाए गए। पुलिस के अलावा दमकल विभाग की गाड़ियां और यूपी 112 के वाहन भी सायरन बजाते रहे। एसएसपी हेमराज मीणा ने इस दौरान पुलिस कर्मियों को मॉक ड्रिल की बारीकियां बताई। देखिए, हम लोग समय समय पर अपने फोर्स को अलर्ट करने के लिए और अपनी व्यवस्थाओं को चेक करने के लिए जो हम लोगों ने आपदा की स्थिति में अपनी दंगा नियंत्रण योजनाएं बनाई हुई हैं, उसमें जो हमारी दंगा नियंत्रण की स्कीम बनी हुई है पूरे शहर के लिए, उसका आज एक अभ्यास किया था। उसमें हमारे पूरे शहर में लगभग 9 जोन और सेक्टर्स बने हैं। करीब 75 प्लेसेस पर इसमें डिप्लॉयमेंट किया गया था और हमारे सभी राजपत्र अधिकारी और सभी थाना प्रभारी, सभी चौकी प्रभारी इसमें फील्ड में थे। इसमें हम लोगों ने अभ्यास किया है, जिससे पूर्व आज पुलिस लाइन में भी हम लोगों ने एक दंगा नियंत्रण का जो हमारे एंटी राइड इक्विपमेंट्स हैं उनके लेके और उनका भी अभ्यास किया। इस प्रकार हमारी फोर्स की तैयारी पर्याप्त बनी रहे। किसी भी विपरीत परिस्थिति के लिए कोई कानून व्यवस्था की स्थिति कहीं उत्पन्न होती है तो उसके लिए हम लोग पूरी तरह मुस्तैद हैं। उसी के तहत आज ये अभ्यास किया गया है, जिसमें हमारी पूरी टीम जनपद के सभी अधिकारी इसमें शामिल हुए। सर, जिस तरीके के हालात चल रहे हैं, इनको लेकर के क्या अपील करना चाहेंगे? इसमें मेरा यही कहना है कि लोग, हमारे शहर का माहौल तो पहले से ही बहुत अच्छा है और सभी लोग अपने कारोबार में लगे हुए हैं। कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। निरंतर हमारा संवाद भी सभी से स्थापित है। किसी को व्यक्तिगत स्तर पर कहीं कोई समस्या है तो हमसे संपर्क करके अपनी समस्या लेके आए, हम लोग तत्पर हैं उनकी समस्याओं का निस्तारण करने के लिए। किसी अफवाह पर कोई ध्यान न दे, इसके लिए हम लोग बार बार लोगों से कहते हैं। सर, क्या किसी तरह के खास निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिए गए हैं? नहीं, विशेष निर्देश नहीं है। हम लोग की एक रूटीन तैयारी हमेशा होती है, क्योंकि अलग जब समय बीत जाता है हमारे फोर्स को दोबारा से रिजुवनेट करने के लिए हम लोग इस तरह की तैयारी करते हैं। उसी के तहत आज अभ्यास किया गया। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।